रैप बनाएंगे। इसके लिए हम पहले टिक्की की प्रिपरेशन करते हैं। टिक्की के लिए हमें 2 उबले हुए आलू लेने हैं। इसमें हम ये क्रश की हुई अमेरिकन मकाई है जिसे मैंने बॉईल की हुई है और थोड़ी सी मिक्सर में क्रश कर दी थी। 2 टेबलस्पून ग्रेटेड चीज लेंगे, धनिया है, 1 टेबलस्पून ग्रीन चॉप की हुई ग्रीन चिली है चॉप की हुई, आधी टीस्पून पेपर है क्रश पेपर, हाफ टीस्पून सॉल्ट है। सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स डालेंगे। पहले हम 2 टेबलस्पून डाल देते हैं। हमने सारी टिक्की तैयार कर ली है और अब हम इसे कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डीप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर में 2 टीस्पून पानी डालकर हमने स्लरी तैयार की है। टिक्की हम इसमें डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। इससे क्या होगा, टिक्की हमारी क्रिस्पी बन जाएगी। देख सकते हो हमारी टिक्की कितनी अच्छी तरह डीप फ्राई होके तैयार हो गई है। अब हम रैप की तैयारी करते हैं। अब हम ये टॉर्टिला लेंगे, ये मैंने मैदे से बनाई हुई है। आप आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं। और हम अब बीच में से काटेंगे। कट कर देना है हमें। अब इस पर हम ये धनिया की चटनी हमने तैयार की है वो लेंगे। इसके ऊपर ये टिक्किया रख देंगे। दूसरे कॉर्नर पर हम केचप डालेंगे। पर ये टमाटो की स्लाइसेस रख देंगे। अब अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। चटनी लगाएंगे। कैप्सिकम रख देते हैं। लास्ट में मेयोनीज लगाएंगे। इसके जगह चीज ब्रेड भी ले सकते हो। चीज की ये स्लाइस रख देते हैं सभी पर। आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। कॉर्न ले सकते हो, बेल पेपर्स ले सकते हो, बेबी कॉर्न ले सकते हो, कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो। अब हम इसे रैप कर देते हैं। अब हम इसे टोस्ट कर देंगे टोस्टर में। हमने रैप को ग्रिलर में रख दिया है बटर लगा के।